चलिए दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल SKS Realtor में। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके जो आपको मिलने वाली है 100 गज की कोठी की, बहुत ही प्यारे रेट में दोस्तों, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे। डिटेल सारी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां से जाके चेक करें। तो चलिए चलते हैं कोठी के अंदर और देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए चलते। तो यह है दोस्तों वो 100 गज में बनी हुई ब्यूटीफुल कोठी जो आप एलिवेशन देख रहे हो। देखिए बहुत ही प्यारा एलिवेशन इसका बना हुआ है और इसका आसपास का जितना भी एरिया दोस्तों, ये देखिए सारी कोठियां बन रही हैं। तो पूरा बसा हुआ, पूरा एस्टेब्लिश एरिया होने वाला है। फ्रंट रोड आपको 35 फीट वाइड मिल जाती है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इसमें और आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहले आप देखिए इसका फ्रंट का एलिवेशन। तो पूरी कंस्ट्रक्शन दोस्तों जोरों शोरों से चल रही है और बहुत ही अच्छे रेट में आपको, बहुत दोस्तों अफोर्डेबल ये कोठी आपको मिलने वाली है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। प्राइसिंग सारी दोस्तों मैं इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां से जरूर चेक कर लें। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी इसकी एंट्रेंस आ जाती है और एंटी स्किड टाइल्स के साथ आपको दोस्तों ये बर्म मिल जाती है और आगे आपकी पार्किंग आ जाती है। सबसे पहले स्टेयर्स आपको बाहर से मिलती है, तो उसका एडवांटेज क्या है कि आपको दोस्तों आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करके। तो ये सबसे पहले आपकी पार्किंग आ जाती है, 11:30 / 7:30 की आपको ये पार्किंग मिलती है। देखिए बहुत ही बड़ी पार्किंग, आपकी गाड़ी आराम से यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। स्टील रेलिंग के साथ आपको स्टेयर्स बाहर से मिल जाती है। अभी दोस्तों फिनिशिंग का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है थोड़ी सी, तो आपको मटेरियल दिख जाएगा। तो ये आपको 2-व्हीलर पार्किंग मिल जाती है यहाँ पे 13:30 / 4:30 की। तो चलिए चलते हैं हमारी कोठी के अंदर और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो ये देखिए मैश डोर के साथ हमारी एंट्रेंस मिल जाती है, ये देखिए मैश डोर के साथ। तो बहुत प्यारा दोस्तों 3.5 फीट वाइड डोर आपको मिल जाता है मैश डोर के साथ। तो ये आ जाती है हमारी एंट्रेंस। तो एंट्रेंस पे सबसे पहले आ जाता है हमारा दोस्तों ड्राइंग डाइनिंग। आप देखिए ड्राइंग डाइनिंग के व्यू, ये देखिए बहुत अच्छा दोस्तों ऊपर आपको रूफ पे डिजाइन मिल जाता है, बहुत बड़ा आपका ड्राइंग डाइनिंग है। तो ये देखिए बहुत बड़ी विंडो मिल जाती है आपको वेंटिलेशन के लिए ड्राइंग डाइनिंग में, ये देखिए आपकी फ्रंट पे। और ये जो ड्राइंग डाइनिंग का साइज होने वाला है वो 15x12 का, तो बहुत प्यारा दोस्तों बहुत बड़ा ड्राइंग डाइनिंग। ये देखिए अभी दोस्तों जैसे मैंने बताया इसका थोड़ा सा फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल अंदर दिख जाएगा। और बहुत प्यारे डिजाइनिंग आपके डोर लगे हुए हैं। तो इसी के साथ आपकी ड्राइंग डाइनिंग के साथ आपकी किचन आ जाती है। किचन जो मिलती है आपको 7x10 की मिलती है, ये देखिए डबल सिंक के साथ आपको 7x10 की किचन मिल जाती है। और आपको दोस्तों सेंट्री फिटिंग अभी ऑलरेडी लग चुकी है, ये आपकी विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए किचन से। तो इसी के साथ हमारा आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। और जो बेडरूम का साइज होने वाला दोस्तों, जो आपका फर्स्ट बेडरूम है 10:30x11 का, बहुत बड़ा बेडरूम, बहुत प्यारा दोस्तों डिजाइन किया गया। और रूफ पे आपको पीओपी डिजाइन मिल जाता है, बहुत ही प्यारा। ये आपको एंट्री मिलती है, आपकी एक्सेस मिलता है कोर्टयार्ड का। और ये आपका वॉशरूम आ जाता है दोस्तों 5x5.5 का, ये वॉशरूम आ जाता है आपका बहुत प्यारा डिजाइनर वॉश मशीन के साथ। सारी दोस्तों आपको सैनिटरी वेयर सेंटर फिटिंग इंस्टॉल है। थोड़ा सा दोस्तों लाइटिंग का इशू है, थोड़ा सा आपको अंधेरा दिख सकता है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ये देखिए आपकी सीट भी इंस्टॉल है और आपकी वॉशरूम में आ जाती है विंडो वेंटिलेशन के लिए। तो क्षमा चाहूंगा दोस्तों अगर थोड़ा सा अंधेरा है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ आपका रियर कोर्टयार्ड, ये आपको एक्सेस मिलता है आपके रियर कोर्टयार्ड का। और इसका जो दोस्तों साइज होने वाला है वो है 5x7 का। तो ये मेश डोर आपको लगे हुए मिलते हैं, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है आपकी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करने का। और यहाँ पे आपको विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए आपके दोनों वॉशरूम्स की और आपके सेकेंड बेडरूम की। तो ये
सामने देखिए। तो ये था हमारा रियर कोर्टयार्ड। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड बेडरूम में, देखते हैं हमें वहां क्या क्या मिलने वाला है। ये फिर से आ गया हम अपने ड्राइंग डाइनिंग में। ये आ गया हमारा सेकंड बेडरूम। अगेन दोस्तों, जो सेकंड बेडरूम है वो आपको मिलने वाला है 10:30 by 11 का, बहुत ही बड़ा बेडरूम। और ये आपकी विंडो आ गई वेंटिलेशन के लिए, जो भी मैंने आपको रियर कोर्टयार्ड से दिखाई थी। रूफ पे आपको पीओपी के डिजाइन मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अभी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है अभी, इसीलिए थोड़ा लाइट का इश्यू है। आप दोस्तों इसको फिजिकल विजिट करें, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें और इसको विजिट का प्लान करें। और इसके साथ आपको अटैच मिल जाता है वॉशरूम। वॉशरूम का दोस्तों अगेन 5x5.5 का वॉशरूम होने वाला है। और आपकी सैनिटरी फिटिंग, सैनिटरी वेयर सब कुछ इंस्टॉल है। दोस्तों आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK, आप ऊपर दोस्तों आपको 2 फ्लोर आप ऊपर और बना सकते हैं। मैं आपको फिर भी थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ आपके फर्स्ट फ्लोर से आपको कैसा व्यू आता है। तो ये आ गया हम फिर से हमारे ड्राइंग डाइनिंग में। और चलते हैं बाहर, हमारे मेश डोर इंस्टॉल है। और ये आपकी आ जाती हैं स्टेयर्स जो आपको बाहर से मिलती हैं, बहुत ही अच्छा दोस्तों, प्यारा ग्रेनाइट के साथ स्टेयर्स को कवर करा गया है। स्टील रेलिंग आपको लगा के दी जा रही है। तो ये देखिए, तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। बहुत बड़ा दोस्तों आपको रूम मिलता है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये देखिए आपकी स्टेयर जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे हम जा रहे हैं, तो चेक करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है एक पोर्च, देखिए पूरी स्टील रेलिंग के साथ। पोर्च का जो साइज होने वाला वो है 6x6 का। और आपको बहुत बड़ा मिलता है रूफ। तो ये देखिए कितना बड़ा रूफ मिलता है आपके सामने, देखिए ऑलरेडी दोस्तों पूरी कोठियां बन चुकी हैं, पूरा एस्टेब्लिश एरिया है। तो बहुत बड़ा ये रूफ आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप दोस्तों आपके आप पूरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आपके 2 से 3 बेडरूम आराम से बन जाएंगे और आप सेकंड फ्लोर भी बना सकते हैं। तो आप इसके पीछे भी व्यू देखिए, तो बहुत ही प्यारा दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत इस्टेब्लिश और बहुत ही दोस्तों अच्छे प्राइसिंग में आपको मिलती है ये कोठी। सारी डिटेल दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगा। इसका प्राइस, साइज, इसकी लोकेशन आप उसको ज़रूर चेक करें। आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। तब तक दोस्तों देखते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।